हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। ये तीन आर्टिकल्स आर ऑन पॉलिटिक्स एंड दिस इज ऑन कोविड, हाउ यू टेस्ट ट्रैक एंड मास्क अप। आई थिंक वी हैड इनफ ऑफ कोविड, यू कैन रीड इट ऑन ओन। आई टीच यू टेल यू अबाउट दिस आर्टिकल एंड दिस टू वी आर गोना डिस्कस। दिस इज इन्फ्लेशन थिंग, आई डोंट थिंक इट विल बी इन द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। मोस्टली इन्फ्लेशन टारगेटिंग की वही कहानी है जो मैं आपको तीन चार आर्टिकल में बता चुकी हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे बात हुई है बीटी कॉटन की। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सिर्फ हमारे यहाँ बीटी कॉटन ही अलाउड है, ठीक है। और ये हमारे किस एक्ट के अंदर आता है, क्या होता है, एक कमिटी होती है जो चेन्नई में बैठती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बीटी कॉटन सिर्फ ओनली जियो क्रॉप है जो इंडिया में 2002 में आया था। उसने इंडिया के कॉटन सेक्टर को ही मतलब बिल्कुल 6 साल में डबल ही कर दिया कॉटन की प्रोडक्टिविटी। इंडिया का शेयर ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन में इंक्रीज हो गया 12% से 25% में 2014 में, और हम नेट इम्पोर्टर से सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए। अब यही बात हो रही बीटी ब्रिंजल की, इसका भी रिकमेंडेशन तो आया था 2009 में, पर 7 साल हो गए, इतने साल हो गए। इट आफ्टर इट कम्प्लीटेड रेगुलेटरी इवेल्यूएशन 7 ईयर, अभी तक ये मोराटेरियम में ही रह गया। देखो इसको लाया नहीं गया है बांग्लादेश में, जबकि अडॉप्ट कर लिया गया और वहाँ के नेट रिटर्न 6-fold बढ़ गए। दूसरी बात जीएम मस्टर्ड की भी, इंडिया 65% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, 10 बिलियन एनुअली। तो क्यों हम ये सब नहीं कर रहे हैं? ऑथर कह रहा है हमें ये करना चाहिए, हमें सब अप्रूव करने चाहिए। इट्स हाई टाइम कि इंडियन एग्रीकल्चर को अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, फार्मिंग कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है कोविड-19 एंड ऑल के चक्कर में। फार्म की इनकम बहुत ज़्यादा गिर रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम ये सब यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइजर नॉल्स भी कम यूज़ होंगे, ठीक है। हमारी अभी करंट प्रोडक्टिविटी क्रॉप की बहुत लोअर है ग्लोबल एवरेज से, तो क्यों ना हम चीज़ें करें, एक वैल्यू चेन बनाए, सप्लाई चेन बनाए जिससे ये सब हो सके। अभी क्रिस्पर कास9 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, चाहे कोविड वैक्सीन हो या फिर कुछ भी हो, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए और इंडियन एग्रीकल्चर को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बात हुई है अल्टीमेटम की, बात मैं आपको बताना चाहती थी कि यहाँ पे जो राशन कार्ड से एक टेस्ट हुआ था जिसमें जो राशन कार्ड जिनके पास थे 4/5, उनको पूछा कि क्या आपके पास राशन कार्ड होने के बाद आपको क्या फूड ग्रेड नहीं मिले, तो 28% लोग जो थे ऑल इंडिया लेवल, 39% लो इनकम हाउस होल्ड और 40% बीमारू स्टेट में ऐसा हुआ कि उन्हें तब भी नहीं दिया गया फूड ग्रेड। तो अब इसका क्या मतलब, ये अल्टीमेटम मेथड हो रहा है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज़ आधार टू लिंक इट, बी इट जॉब सिक्योरिटी और बी इट सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, दे जस्ट वॉन्ट इट टू लिंक देयर आधार कार्ड्स कंपल्सरली। तो द थिंग इज दिस, द पुअर पीपल आर गेटिंग हिट द मोस्ट, मिडिल इनकम टेंड्स टू गेट अ सॉफ्टर ट्रीटमेंट। तो बस मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना था। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस विद यू, हाँ, अफगानिस्तान के बारे में। यहाँ पर कहा गया कि जो एग्जिट हो गया US और नाटो का, ये कहाँ शुरू होता है, ये सबको पता है कि अमेरिकन ने 9/11 के रिस्पॉन्स के बाद वहाँ पर बिल्कुल पावर अपनी ले ली थी, ठीक है। अभी ये हट रहे हैं 19, तो अब इसमें अगर बाकी कौन कौन से, सबसे पहले आपको पता ही होगा सोवियत यूनियन, चाहे वो था, अभी रशिया है, चाहे वो सोवियत यूनियन को फॉल हो गया। रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है अफगानिस्तान में, उसकी जियो पॉलिटिकली भी वो अपना स्ट्रॉन्ग फोल्ड रखना चाहता है। अब चाइना की बात हो रही, US बाइडन क्या कह रहे हैं फिर से कि चाइना के जो चाइना इधर उधर हैपल कर रहा है, हमें हटाना पड़ा। पर चाइना ही तो सबसे ज़्यादा इसमें बड़ा बेनिफिशियरी, क्योंकि चाइना तो इंडिया के नेम उसको बहुत अच्छी तरह झपट रहा है, ठीक है, अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ को, ठीक है। चाइना देखो, इफ द US इज़ डिस्टेंट पावर, चाइना तो उसका नेबर ही है, ठीक है। अनलाइक रशिया, चाइना कैन डिलीवर मासिव इकोनॉमिक रिसोर्स टू अफगानिस्तान BRI के अंदर, ठीक है। चाइना की एक्सपेंडिंग रिलेशंस भी हो रहे हैं, चाहे वो गल्फ हो, चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे पाकिस्तान, उसके पास तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बीजिंग हैज़ बीन डिपिंग इट्स टोज़ इन वाटर ऑफ अफगान पीस फॉर डिप्लोमेसी, बोथ काबुल एंड तालिबान हैव सीन चाइना एज अ वैल्यूएबल पार्टनर, ठीक है। बीजिंग हैज़ ऑफन टॉक्ड ऑफ एक्सटेंडिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अफगानिस्तान में घुसेड़ने की कोशिश कर ही रहा है, ठीक है। पर प्रॉब्लम एक ये भी है कि जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, उससे चाइना भी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि चाइना खुद सिंजियांग में मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान और ईरान भी इसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले करें, क्योंकि वो भी उसके नेबर्स हैं। 1970-1980 में शाह ऑफ ईरान ने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस किया था अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स में। ईरान के स्टेक भी अफगानिस्तान में हाई है, काफ़ी इस्लामिक ग्रुप है, ठीक है, दोनों इस्लामिक नेशन है, ठीक है, कोलिएशन होगा। चाहे अब ये एक बात और एग्जांपल दिया गया है कि सऊदी अरेबिया और UAE ने जब वहाँ पे तालिबान रूल अफगानिस्तान था तो उसको बहुत सपोर्ट किया था पाकिस्तान के अलावा हटने पर। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजनल पावर्स अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से इन्वॉल्व रहे ही रहे हैं, ठीक है। कतर और टर्की
दे हैव इंजेक्टेड देमसेल्व्स इन अफगानिस्तान जाओजी. तो अब दिल्ली को क्या करना चाहिए? दिल्ली को भी अपना रीजनल इंटरेस्ट प्रमोट करना चाहिए. सिर्फ एक एजिटेशन नहीं रहना चाहिए कि नहीं हम तालिबान लेड गवर्नमेंट से बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बात करेंगे. हमें भी अपना सक्सेसिव इंगेजमेंट करना चाहिए एज जीरो पॉलिटिक्स टर्निंग इट्स पेजेस डाउन. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.